तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ सैमसंग गैलेक्सी का जो A52s 5 वाला मॉडल है उसके अंदर एक नया अपडेट आया था, जो कि अभी रिसेंटली इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आप उसी अपडेट का रिव्यू करके बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं उस अपडेट के बाद मुझे अपने मोबाइल में क्या क्या बग लगे या फिर बोल सकते हैं क्या क्या इशू लगे वो आपको बताने वाला हूँ आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि एक नया अपडेट आया था, जो कि इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये अपडेट आपको अपने मोबाइल में मिला था 18 तारीख को। ये अपडेट 18 फरवरी को रिलीज़ कर दिया गया था। इस अपडेट में कुछ नए फीचर तो ऐड ऑन नहीं किए गए थे, बस कुछ इनहांस फीचर किए गए थे और सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया था। इसका जो साइज था 270 MB का ये साइज था और कुछ भी नहीं था। बट इस अपडेट के बाद हो क्या रहा है, मेरे साथ क्या इश्यूज़ हो रहा है, या बोल सकते हैं मैंने कहीं मैंने देखा लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है। सबसे पहले अगर कोई भी ऐप को अगर आप ओपन कर रहे हैं तो उसका ओपन करने का जो टाइम है बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आप उसको ओपन करके ऑफ करके फिर चालू करते हैं तो उसका जो टाइमिंग है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मल ऐप भी आप अगर ओपन कर रहे हैं तो उसको ओपन करने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा, लाइक अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं लोगों को बहुत देर तक दिखता है, उसके बाद यहाँ पर ओपन हो रहा है। कोई सी भी ऐप ओपन करेंगे हर ऐप में सेम इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिले ले रहा है कोई भी ऐप को ओपन करने के। ये सबसे बड़ा मुझे इशू लगा यहाँ पर। अगर आप कोई भी ऐप को यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो उसको ओपन करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा यहाँ पर टाइम ले रहा है। ये आपके साथ भी हो रहा होगा और बहुत सारे यूज़र के साथ भी होगा। आप देखेंगे कैमरे को तो ओपन करूँ तो उसको ओपन करने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और उसकी अगर एनिमेशन आप देखेंगे अप डाउन वाले, अगर उसको ओपन करके आप बंद कर रहे हैं उसके एनिमेशन में भी आपको यहाँ पर फ़र्क लग रहा है। आप देख रहे होंगे बंद का तो हो रहा है, ओपन का कोई एनिमेशन नहीं आ रहा। ये एनिमेशन में भी यहाँ पर इशू आ रहा है, आप देख रहे हैं। ये सबसे पहला यहाँ पर इशू लगा। इसके बाद सेकेंड जो इशू लगा वो है मुझे बैटरी का। बाकी चलने में भी स्लो परफॉर्मेंस तो हो गई है, आप देख ही रहे हैं चलने में परफॉर्मेंस स्लो हो गई है। और बैटरी का मैं यूजेस बता दूं, अगर मैं आपको ले जाऊं सेटिंग पे, सेटिंग लेने आने के बाद आपको ले जा रहा हूं बैटरी एंड डिवाइस केयर पे और यहां जाऊं बैटरी पे, तो आप देखेंगे यहां पर मेरा बैटरी का जो लास्ट 7 डेज का मैं आपको दिखाऊं, लास्ट सेवन डेज का इशू दिखाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पर इशूज में कितना फ़र्क आ रहा है। लाइक 19 में मैंने कितना 3 घंटे यूज़ करा, यहाँ पर 3 घंटे यूज़ करा और 21 में 1 घंटा, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनिंग का कितना ज़्यादा इशू चल रहा है। और कंटिन्यू बैटरी ड्रेन होती, पहली मेरी एक बार मैं चार्ज करता था कंटिन्यू में एक दिन तो चला ही लेता था इतना यूज़ करने के बाद, बट अब यहाँ पर यूजेस कम हो चुका है। एक चीज़ और इशू लगा जो मुझे नेटवर्क का, जहाँ पर मैं पहले यूज़ कर रहा था वहाँ पर मेरे को 5G नेटवर्क वहाँ पर आ रहे थे, बट इस अपडेट के बाद वहाँ पर मुझे 5G नेटवर्क आना बंद हो गए, वहाँ पर अब सिंपल मुझे 4G ही आ रहा है। ये हो सकता है कि नेटवर्क की तरफ से प्रॉब्लम है, बट ये मेरे पास अपडेट के बाद ही हुआ है नेटवर्क का। बाकी नेट चलने में कोई इशू नहीं है, नेट तो चल रहा है, बाकी बस 5G और 4G का मोड का कुछ इशू आया है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, अगर आप सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद बैटरी डिवाइस केयर में अगर डिवाइस को ऑप्टिमाइज़ भी कर दे रहे हैं उसके बाद भी अगर आप डिवाइस में कोई सी भी ऐप को ओपन करना चाहेंगे उसके बाद भी सेम आपको इशू लगेगा। कोई सी भी ऐप को आप यहाँ पर इशू करेंगे सब में ही ऐसा इशू हो रहा है। इवन अगर आप कोई रनिंग ऐप लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप पर भी ओपन करेंगे तो सब में सेम इशू ले रहा है, सबको ओपनिंग का टाइम वो सेम ले रहा है। तो यही प्रॉब्लम थी इस अपडेट के बाद जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी लगता है अगर आपको कुछ और भी बग लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।